मैं निवान जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। हर मुद्दे पर बड़ी मुखरता के साथ बोलते हैं आप और आपके नेता, ये स्वाति मालीवाल का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमें उम्मीद थी ना कि कम से कम विभव कुमार पर, कम से कम स्वाति मालीवाल पर कुछ तो बोलेंगे ना सीएम साहब। देखिए, मैं आपके सामने एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से रख देता हूँ। बीइंग अ आप वॉलंटियर और बहुत पुराना, जितने समय से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, जब हमारे सामने ये मुद्दा आया था हमें भी बहुत शॉकिंग लगा था। हमें भी ऐसा लगा था कि अगर ऐसा कुछ है तो इसकी बिल्कुल एक पार्टी के तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसकी प्रोसीडिंग देखी, जब हमने देखा कि किस तरह से इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र का रूप देने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से, जब आपने वो वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर आया कि किस तरह से जो है वो पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा लूंगी, उनको ये कहा, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह से वीडियो बाहर निकलते हुए आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से एरोगेंट से वो बाहर निकल रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कोई कंप्लेंट नहीं देते, कोई मेडिकल नहीं करवाते, उसके बाद अचानक से 3 दिन तक मीडिया में खबरें चलती हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या क्या होने वाला है, तो अचानक से 3 दिन के बाद जो है वो अचानक से वो मेडिकल कराते हैं और उसके बाद वो आरोप लगा देते हैं, उसके बाद एलिगेशंस लगा देते हैं। तो ये क्लियर नजर आ रहा है जिस तरह से ये षड्यंत्र करने की साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये क्लियर नजर आ रहा है, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले नेताओं को जेल में डालते थे, शराब घोटाले के नाम पे डालते थे, जब शराब घोटाले के नाम पे ये एक्सपोज हो गए, दिल्ली की जनता, देश की जनता के सामने आ गया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, तो अब ये नई चीजें ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ इतना बताइए, षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपकी पार्टी को क्रश करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन है तो आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद ना, आरोप तो बड़े संगीन और बड़े गंभीर लगाए। उम्मीद करती हूँ आपने FIR पढ़ी होगी जो विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। हमने तो मांगी है FIR, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई FIR, कोर्ट को नहीं दी गई FIR, कहा गया कि सेंसिटिव है, हमने तो मांगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज दो तरह की कार्रवाई देश में हो रही है। एक कार्रवाई ये है कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई की कोशिश की जाती है या तो आप बीजेपी में चले जाइए, बीजेपी के कहने पे किसी के आप गवाह बन जाइए, आप आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ बयान दे दीजिए, आप आम आदमी पार्टी नेता के एलिगेशन लगा दीजिए, या दूसरी कार्रवाई सुनिए, जचता है कि नहीं जचता, दूसरी कार्रवाई ये है कि आप बीजेपी के सामने खड़े रहिए और जेल जाइए, कुछ भी हो जाए इनकी या तो आप बीजेपी के सामने खड़े होकर जेल चले जाइए या आप बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का खत्म करने का षड्यंत्र आप रचते हैं, साजिश आपने रची और आपके इशारों पर स्वाति मालीवाल ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं PA विभव कुमार। देखिए, पूरा मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, वो सरगना है, बाकी सब गुर्गे हैं, और ये जो भद्दी मानसिकता है और जो गंदगी है पार्टी के अंदर की, वो बाहर निकल कर आ रही है। सोचिए, एक इनकी पुरानी साथी जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, किस तरह के साथ मारपीट होती है। और बात संजय सिंह मानते हैं, संजय सिंह बाकायदा 36 घंटे बाद कहते हैं यह गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ और हम लोग एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ भी नहीं। स्वाति सोचती हैं कि उनके पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगले दिन क्या देखती हैं, विभव जी आराम से घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, अरविंद जी के बिल्कुल पास बैठे हैं। फिर पुलिस जाती है उनके पास और जानने की कोशिश करती है कि वो सुरक्षित है कि नहीं, तब उनका स्टेटमेंट लिखा जाता है और फिर तोड़ मरोड़ कर वीडियो आने लगते हैं। ये जो टूल किट है ना इनका, अपरेटस, बदनाम करो उसी शख्स को जो 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 जिसके साथ मार पिटाई हुई है, वुमन को विक्टिम शेम किया जा रहा है, अपनी ही साथी को, पुरानी साथी को, इनसे कई सालों पहले स्वाति आई थी, इनके तो फरिश्तों को खबर भी नहीं होगी थी ये कहाँ थे, अब बड़े फड़फड़ाने लगे हैं, आ गए बाहर। स्वाति मालीवाल 20 साल से काम कर रही हैं अरविंद जी के साथ, अब ये आ गए हैं बचाने के लिए और काट पीट कर वीडियो पेश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि स्वाति दरअसल कसूरवार है। आतिशी झूठ बोल रही हैं, आतिशी कह रही हैं कि विभव का पक्ष नहीं लिया गया था जब संजय सिंह ने अपना बयान रखा। आप मुझे बताइए, क्या हम सब लोग ने सुना नहीं है क्या संजय सिंह कह रहे थे कि हमने संज्ञान लिया है, विभव ने गलती की है, दुर्व्यवहार हुआ है? तो या तो तब संजय सिंह झूठ बोल रहे थे या अब आतिशी।